हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वेज कटलेट। उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे तड़का डाल रही हूँ, मेथी और जीरे का और सौंफ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ ऑनियन। जब ये भुन जाए अच्छे से, चले हमारा तड़का भुन जाए अच्छे से, फिर इसमें हम डालेंगे कटा हुआ ऑनियन। ट्रांसपेरेंट हो गया, तब हम इसमें अपना आलू का मैश किया हुआ आलू डालेंगे। अब हमारा प्याज भून गया है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, बस इससे ज़्यादा से नहीं पकाना। और यहाँ पे अपना हम मैश किया हुआ आलू डालेंगे। अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे हम नमक और हल्दी। अच्छे से मिला के इसमें मिलाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा, बस। और इसे अच्छे से मिला के भून लेंगे थोड़ी देर और 5 मिनट। ये मैं यहाँ घोल तैयार करने के लिए यहाँ पे मैदा ली हूँ। इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, ये आलू जो फ्राई करके मैंने बनाया था उसे मैं ऐसे शेप में डाल के रखी हूँ। इसमें पानी मिला के इसे अच्छे से घोल लेंगे पहले। इसका भी बैटर थोड़ा ठीक ही रहेगा। थोड़ा सा ठीक बैटर रखेंगे। तैयार किया था मैंने, अब इसे मैं डिप करूँगी मैदे के घोल में। हल्का सा नमक डाल के घोली हूँ और फिर इसमें फिर से इसे ऐसे ब्रेड क्रम्स में लपेट के रख लेंगे। फिर से इसे डिप करेंगे और फिर से ब्रेड क्रम्स में। ये बिल्कुल हल्के हाथ से करना ताकि मेरा सेब ख़राब ना हो। और यहाँ पे हमारा ऑयल बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म है। अब मैं इसे तल लूँगी मीडियम हीट ऑयल पे। Thanks for watching. Thank you.